प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपलएससी के द्वारा निकलने वाले नोटिफिकेशन के बारे में इंतजार कर रहे थे। लेखपाल, राजस्व लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जैसा कि मैंने सुबह एक वीडियो के माध्यम से मॉर्निंग मुर्गा में मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग मुर्गा नामक ये जो सीरीज है प्रत्येक दिन सुबह आती है, जिसमें डे स्पेशल के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं और साथ में उस दिन से संबंधित जो भी बड़ी न्यूज होने वाली होती है उसके बारे में बताते हैं। आज के सुबह मॉर्निंग मुर्गा में मैंने आपसे बताया था कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आज की डेट में या कल की डेट में जारी हो जाएगा, जैसा कि सच हुआ। मैं आज ही आपको खुलासा कर दूँ कि 2 ही 3 दिन में आपको टीजीटी पीजीटी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ELT का भी नोटिफिकेशन इसी महीने के अंत तक आ जाएगा, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा, ये बात भी सच निकलेगी। तो बात कर रहे थे यहाँ पे लेखपाल की। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि वो 7 तारीख से रखी गई है और जो ऑनलाइन होगा आवेदन वो 28 तारीख तक होगा और जो अंतिम तिथि होगी वो क्या होगी, 4 फरवरी होगी। यहाँ पे कुछ काम की जानकारी लेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप तब तक अपनी फीस 28 तक जमा कर दें, वरना आपको माना नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बता दें कि कहा जा रहा है कि राजस्व परीक्षा कितने, राजस्व लेखपाल में कितने पद हैं, तो 8085 पद हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि अभ्यर्थी वही शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में स्कोर के आधार पर की जाएगी, ठीक है। जो स्कोर प्राप्त किए हैं आपने PET में, उसी के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। कोई भी फॉर्म डालने के लिए कोई भी वो नहीं दिया गया है। आपको बहुत सारे लोग गुमराह करेंगे कि आपका 30% है, आपका 35% है, आपका 50%। नहीं, सभी लोग फॉर्म डालिए। 25 से 50 रुपये जो भी शुल्क रखा होगा, देखिए अभी शुल्क देख लेते हैं कितना है। हमको लगता है 25 रुपये सिर्फ शुल्क रखी गई है। एक मिनट मैं बता देता हूँ शुल्क कितना है यहाँ पे। हाँ, 25 रुपये आपका शुल्क रखा गया है। तो आप सभी लोग फॉर्म डालिए, आरक्षित अनारक्षित, अभी सबके बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है। 25 रुपये शुल्क है, तो आप सभी लोग फॉर्म जरूर डालिएगा। फॉर्म डालने के बाद जो भी स्कोर कार्ड होगा, जो भी कट ऑफ बनेगा, उसके हिसाब से आपका देखा जाएगा। बहुत होगा नहीं चांस मिलेगा, नहीं फॉर्म डालेंगे तब भी तो चांस नहीं मिलेगा। तो आप फॉर्म डालिए और उसके बाद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के में आप जो लोग सम्मिलित हुए थे वो लोग कहाँ चले जाएंगे, मेंस परीक्षा में चले जाएंगे, लेखपाल की मेंस परीक्षा में जाएंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना हम आपको बता देंगे। आप अपने मोबाइल से भी अपना फॉर्म भर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोबाइल से फॉर्म भरने की पूरी विधि हम आपको बता देंगे। आप मोबाइल से आराम से फॉर्म भर सकते हैं, अपनी फीस भी कटा सकते हैं बिना हेजिटेशन, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से 25 रुपये में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं जिस दिन फॉर्म शुरू होगा मैं भर करके लाइव आपको दिखाऊंगा, और किसी और का नहीं, मैं खुद का फॉर्म भर करके आपको लाइव दिखाऊंगा। आप खुद देखिएगा, आप आराम से उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आप अभ्यर्थी की अपेक्षा की जाती है विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति पढ़ करके शैक्षिक अर्हता के अनुसार आप आवेदन करिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता देंगे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप अपना फॉर्म भरने के बाद डाउनलोड करके उसको रखिए, जिससे रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हो। यहाँ पे कहा जा रहा है व्यक्तिगत विवरण के लिए आपको एक क्या होगा, थ्रो पर्सनल डिटेल देना होगा आपको अपना, ठीक है। और उसके बाद OTP आएगी, उसके OTP के थ्रू आप उसको क्या करेंगे, ईमेल पे और मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉगिन के उपरांत आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा कि आप किस आरक्षण में आते हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं, आरक्षण कैसा, लिंग, विवाह स्थिति, ये सब चीज़ें आपको भरनी होगी। सब मैं भर करके आपको सिखा दूंगा, आप परेशान एकदम ना हो, काम की चीज़ों पर आइए, जो काम की चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं सब आपको बता दूंगा क्या क्या करना है, कैसे भरना है। काम की चीज़ें कुछ यहाँ पे दी गई, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन का जो शुल्क है वो सिर्फ 25 रुपये रखा गया सबके लिए, चाहे वो जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, या EWS वाले हैं, सबके लिए फीस बराबर रखी गई, यानी 25 रुपये फीस सबको देनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक वैनिक सबको फीस देनी है, यहाँ पे किसी के साथ कोई चांस नहीं है। आप फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, सब कुछ आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नाम की बर्तनी गलत होगी तो उसे सही कर सकते हैं, ये चीज़ें अगर आप में कोई गलत हो गया तो उसे आप जा करके सही कर सकते हैं। ग्रेड पे की बात कर लें तो आपको जो ग्रेड पे मिलता है वो कितना मिलता है, 5200 से 20200 आपका ग्रेड पे है। 18 से 40 वर्ष वाले उम्र के वाले इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। 3271 पद जनरल के हैं, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जात के कितने हैं, 1690 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, 152 हैं। और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 2174 पद हैं। टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाती है, 8085 है। और EWS के कितने पद हैं, 700 कितने हो जाते हैं, 798 पद कितने किसके हो जाते हैं, EWS वालों के पद हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, क्षेत्रीय आरक्षण आरक्षण के बारे में दिया गया है, आप सबको पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। क्या क्या नियम कानून है उसके बारे में आपको पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। शैक्षिक अर्हता पा जाइए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
लेखपाल पद का नाम क्या? लेखपाल है। अनिवार्य अर्हता क्या? अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिमानी अर्हता क्या है? क्या आपके पास होना चाहिए? इन बातों के समान ही ऐसे अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती के मामले में विद्यमान किया जाएगा। अगर आप 2 वर्ष का आपके पास सर्टिफिकेट हो या बी कैडर का आपका हो तो वो भी आपको अधिमानी अर्हता में दे दिया जाता है। आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष वाले शामिल हो सकते हैं, यानी कोई भी CCC वगैरह नहीं माना गया है, तो आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबसे कोई मतलब नहीं। भूतपूर्व सैनिक जो जो आरक्षण है तो आरक्षण उनको मिलेगा। चयन कैसा होगा? लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा का पाठ योजना नीचे दी गई है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, लिखित परीक्षा का पाठ योजना क्या है? सामान्य हिंदी है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। गणित है, 25 क्वेश्चन 25 के लिए। सामान्य ज्ञान 25 25 के लिए। ग्राम विकास 25 25 के लिए। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए आपका पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे में 120 मिनट में आपको पेपर करने होंगे। निगेटिव मार्किंग का भी किया गया है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा आपके पेपर में। पाठ्यक्रम है हिंदी में, सामान्य हिंदी में क्या होगा? सामान्य हिंदी आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, जो कि पूरी तरह से फ्री होगी क्लासेस आपको। आप यहां से जुड़िए और पढ़ें, आपको लाभ मिलेगा। समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम है, तद्भव, संधियां है, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है, लोकोक्ति, योग, मुहावरे है, वाक्य संशोधन है, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वर्तनी है, और उसके बाद अनेकार्थी शब्द है। अपठित गद्यांश से आधारित कुछ प्रश्न होंगे। आप जरूर चैनल से जुड़े और इसका हिस्सा बने, इसको पढ़ें, आपको लाभ मिलेगा। अंकगणित की बात करें तो संख्या पद्धत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, सांख्यिकी, अंकगणित, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बटन है, सारणी है, संचयी बारंबारता है। उसके बाद आंकड़ों का निरूपण है, दंड पाई चार्ट है, पाई चार्ट है, नियत चित्र है, बारंबारता बहुभुज है, केंद्रीय समाप है, और ये सब माध्यमिका है, ठीक है। उसके बाद आपका बीजगणित में चले जाते हैं, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त है, और उसके बाद युग्मक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, उसके बाद क्या है, गुणनखंड है, क्षेत्रफल परिमेय है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए रेखा गणित में, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस परिमेय है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समलंब है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के परिमाप है, क्षेत्रफल है, वृत्त के और परिधि है, और उसका आयतन है। सामान्य ज्ञान में आ जाएंगे, सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, भारत का इतिहास है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, भारत का विश्व का भूगोल है, जनसंख्या है, विश्व विज्ञान, सामान्य विज्ञान है, दैनिक अनुभव में प्रक्षेपण है। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं, जो कि एक व्यक्ति से पढ़े लिखे से अनुमान की जाती है कि इतना उसको पता होना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए, संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका ग्राम विकास से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे ग्राम विकास भारतीय संदर्भ, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना है, प्रबंधन है, ग्राम विकास है, शोध प्रणाली है, ग्राम स्वास्थ्य परियोजना है, सामाजिक विकास है, ग्राम में विकास है, भूमि सुधार है, त्रिस्तरीय पंचव्यवस्था, राज्य व्यवस्था है, और उसके बाद ये संबंधित कुछ योजनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद लिखित परीक्षा से संबंधित विशेष नोट, लिखित परीक्षा से संबंधित कुछ नोट्स क्या हैं? यदि विज्ञापित पदों में प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती तो आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में कराई जाएगी, ठीक। एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता तो उक्त परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में कराई जा सकती है, जिसके लिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। जिससे ये देखिए, ये बात इसी बात से प्रूफ होता है कि मैक्सिमम लड़कों को लिया जाएगा, मैक्सिमम लड़के जाने वाले हैं। ये मान के चलिए आप मैक्सिमम लड़के, मतलब सबको शामिल कर दिया गया है, देख लीजिए सिर्फ आप। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें आप सब कुछ जानते हैं, कुछ खास नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ये जो कुछ भी है ये सारी नोटिस है। प्यारे मित्रों, आप 100% मान चलिए कि आप इसमें शामिल होइए, आपको बहुत मौका मिलने वाला है। यहाँ पे इस बात देखिए, यही एक बात आपको प्रूव कर रही पूरी तरह से। ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई, बोल्ड किया गया, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये चीज़ें, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखी गई है, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। देखिए कहाँ चला गया भाई, ये देखिए आपका यहाँ पे, एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नोटिस ही बता रही भाई। देखिए आपको सभी लोगों को शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, नोटिस सिलेबस के बाद नोटिस आ जाइए। इसके बाद सिलेबस बेस्ट बुक हम आपको बताने चल रहे हैं, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, और भी मैं काम की चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये कहा जा रहा है, अभी मैं आपको पढ़ के दिखाया था, कहाँ चला गया वो पेज, एक सेकंड, हाँ ये देखिए कह रहा है, यदि
विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में की जाती है। अच्छा देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको 15 गुना 20 गुना जो हल्ला कह रहे थे, जो मैं पहले दिन से मैं वीडियो बना रहा था, पहले दिन से यही कह रहा था कि चोचलेबाजी हो रही है, सब झूठ हो रहा है, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होता। कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि 8,000 है और 15 गुना बुलाना है, मान लेते हैं तो 1,20,000 बुलाना है, तो फिर ये बात लिखने की आवश्यकता क्या थी? देखिए क्या लिखा गया है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाने से उनकी संख्या परीक्षा एक से ज़्यादा शिफ्ट में कराई जाएगी। यानी अगर संख्या बढ़ जाती है, मान लेते हैं 40 लाख लड़के हैं, 20 लाख लड़कों ने पेट पास किया था, उसमें से मान लेते हैं कि हम 15 लाख पास किए, 15 लाख सबने फार्म डाल दिया, 15 लाख सबने पास डाल दिया, अब 15 लाख फार्म डाल दिए, 15 लाख को अब इनको करना है शॉर्टलिस्ट। अगर इनको शॉर्टलिस्ट करना था, मान लेते 10 गुना करना था तो 80,000 होंगे, 15 गुना करना था तो 1,20,000 होंगे, 20 गुना करना है 1,60,000 होंगे, हम कहते हैं 50 गुना करना है तो 50 गुना करना है 50, 8, 45, 40, 4 लाख होंगे। अगर हम कहते हैं मान लीजिए 100 गुना करना है, तब भी सीट का 100 गुना 100 अभ्यर्थी बुलाते हैं, तब भी तो इनके 8 लाख होंगे। तो इसका मतलब है कि सरकार मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसमें इंटर कराने वाली है। आप सब निश्चिंत होकर के फॉर्म डालिए, आपको जरूर मौका मिलेगा, और जो लास्ट में है हो सकता है वो टॉपर बन जाए। आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने खुदा पर विश्वास रखिए, कूद पड़िए मझधार में, नौका पार होगी, विश्वास करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।